बिल्कुल नलिन साहब, हमारे साथ डॉक्टर राजा काशिप पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजा काशिप, यही सवाल आपसे है भाई, आप अपने यहाँ आटा तो दे नहीं पा रहे, महंगा है, आपके लोग परेशान हैं बिजली से, प्रदर्शन पीओके में हुआ, हमने तस्वीरें दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी आपको खालिस्तान की मदद करनी है, उनको फंडिंग करनी है, उसके बाद फिर आपके देश के कई नेता कटोरा लेकर दुनिया भर के देशों में जाकर भीख मांगते कि हमारे देश की मदद कर दीजिए, आखिर क्यों? कुछ अपने यहां काम कर लीजिए, खालिस्तान को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग? भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी जी, मैं सुन रहा हूं। अच्छा ये बताएं कि देखिए, मुक्ति वाहिनी किसने बनाई? भारत था। बांग्लादेश किसने बनाया? भारत ने बनाया। आज आपका खालिस्तान के कहीं करीब पहुंचा है तो आपको दुख लग रहा है? जरा आप अपने वक्त को याद कीजिए। ये लद्दाख में जो बैठे हुए हमारे साहब, खालिस्तान भारत में नहीं पहुंच पाएगा, चिंता मत करिए, खालिस्तान भारत में नहीं पहुंच पाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अपने घर की चिंता करिए, फिलहाल आप पीओके की चिंता करिए, आप खालिस्तान हमारे घर में नहीं आ पाएगा, हमारे यहां हर कम्युनिटी राष्ट्रभक्त है भारत में। देखिए, हम अपने घर की भारत के पास वापस आएगा, जिस पर आपका अवैध कब्जा है, आप उसकी चिंता करिए फिलहाल। अरे देखें, जो आपने इलीगल कश्मीर रखा हुआ है हमारे साथ, ये नहीं, अखंड भारत का हिस्सा है वो, तमगे भी लेके आप पूरा कश्मीर हमारा है, पीओके की बारी है डॉक्टर राजा काशिप साहब, कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा, क्योंकि ये देखें, आपने 370 खत्म करके कोई अच्छा काम तो नहीं किया। कश्मीर के लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग खुश हैं, अब पत्थरबाजी नहीं होती है 370 खत्म होने के बाद। आप थोड़ा और रिपोर्ट लीजिए, आप अपने चश्मे से हटकर देखिए, जी न्यूज देखिए, आपको सही तस्वीर दिखाई पड़ेगी पाकिस्तान में भी। हाँ, वो ठीक है, तस्वीर जो आप दिखा रहे होंगे वो होगी, लेकिन आपको पता है आपने विलेज कमेटियां बनाई जो 90s में थी, पिछले साल। डॉक्टर राजा साहब, आप खालिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए ना, पाकिस्तान की ISI क्यों खालिस्तान की मदद कर रही है? 2% है आपकी, वो पंडित कुछ वहां से उठ के आ गए। राजा साहब, खालिस्तान की मदद क्यों कर रही है पाकिस्तान की ISI? क्या मजबूरी है आपके सामने? आप कब तक भारत विरोधी एजेंडा इस तरह से चलाते रहेंगे? रावण ने, आपके पास राय, रावण ने तो बलूचिस्तान में अभी कल बम धमाके कर दिए, 50 बंदे हमारे शहीद किए, अब आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है। डॉक्टर राजा साहब, जब आप, ये आपके देश के इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप इसीलिए तो कह रहे हैं खालिस्तान को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं आप? हम भी कह रहे हैं आपकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको संभाले ना, फिर हम तो संभाले हुए हैं, लेकिन कनाडा में हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, आप लोग खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं। अरे हमारे पास कलभूषण भी है आपका, एक बंदा जिसको रात को नींद नहीं आती, वो भी तो हमने पकड़ा है। अरे डॉक्टर राजा काशिप साहब, देखिए, आप ही के लिए हमारे वसीम बरेलवी साहब, डॉक्टर राजा साहब, नलिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर राजा काशिप साहब, आपके जो मुल्क के लोग हैं, जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं या सेना के लोग हैं या फिर ISI के लोग हैं, उनके लिए हमारे वसीम बरेलवी साहब ने बहुत पहले ही एक अच्छा शेर लिखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुना देता हूं। डॉक्टर राजा काशिप साहब, मैं सुना दूं? जी, तो मैं आपको सुना देता हूं कि वसीम बरेलवी साहब ने कहा है, घर सजाने का तसव्वुर बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आप खालिस्तानियों को सजाने का ख्याल बाद में देखिएगा, पहले यह तय करिए कि इस पाकिस्तान को कैसे बचाएं, जहां रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, जहां रोज लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि उस आतंकवाद को आपने बढ़ाया है, आपकी सेना ने बढ़ाया है, आपकी ISI ने बढ़ाया है, और आप भारत को पाठ पढ़ाने आए हैं, भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर राजा साहब, भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अभी कल ही की तारीख बीती है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, अगर आपको याद हो तो, भूल गए होंगे आप शायद। सर, आपकी स्ट्राइक अभिनंदन भी था, वो जो एक चाय के ऊपर जहाज दे गया, छोड़िए जी, भूल गए होंगे, आपके पास है क्या? अरे भूल गए होंगे, टीम वाज फैंटास्टिक, याद रखिएगा, वो आप फिल्म बनाते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अच्छा चलिए राजा काशिप साहब, मैं नवाज शरीफ की एक बाइट सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भारत के पास क्या है, पहले नवाज शरीफ की बाइट सुनाते हैं आपको। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है, G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं, ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था, ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था, ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है?
और हम एक एक बिलियन डॉलर आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी, क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं, हमारा वजीर आजम जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए। राजा काशिप साहब, आप अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को ही सुन लिए होते आप भारत से सवाल पूछने से पहले। वो तो कह रहे कटोरा लेके जगह जगह पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं और बता रहे भारत तो चांद तक पहुंच गया है। अब आप जवाब अरे दीजिए। चांद तक, अरे उनको नवाज शरीफ साहब को पता नहीं है कि इंडिया में किसी के पास वॉशरूम नहीं है, लोटा पार्टियां होती हैं, वो आप देखें अरे अक्षय राजा कुमार की काशिप मूवी के साहब, उनसे लगता है आप डायलॉग भारत करा आए दो नहीं है। आप ऐसी जो खालिस्तानी लोटा और पार्टी। आईएसआई गठजोड़ मिल रहा है उसी के अरे प्रोपेगेंडा टूल को आप यहाँ पे बढ़ाने का है प्रयास नहीं कर रहे हैं। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। सर, दलित जितने उनको राइट्स दें, हिंदू डॉक्टर दवा बना रहे, आपने ब्राह्मण को सर राजा पे काशिप बिठाया हुआ साहब, यहाँ पर सभी को बराबरी का है। हक है। आप पाकिस्तानी एजेंडा मत चलाइए। Z News.